अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। आज की उम्मीद करता हूं आप सब भी खैरियत से होंगे, फिट होंगे, खुश होंगे। सब फाइनली बैक आ चुके हैं 30 डेज चैलेंज सीरीज के एपिसोड 10 के अंदर। सब लाइक आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी गेम प्ले वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें हम लोगों को यार स्टार्ट में तो यार कभी कभार ऐसा हो जाता है कि यार इतनी इंटेंस मूवमेंट करते करते हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि यार हमारा स्क्वाड कितनी जल्दी वाइप आउट होता दिखाई देता है और कितने का माइनस पड़ता है और कितना ज्यादा खतरनाक परफॉर्मेंस देने के बावजूद यार हम लोगों को यार इतना गंदा सामना करना पड़ता है और हमारी पोजीशन नहीं बन पाती तो इसका मतलब क्या हम लोगों को माइनस पड़ता है और कितने का माइनस, ये सब कुछ आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। सो पब्लिक का और हम लोग कोई बॉट लॉबी या फिर नॉर्मल लॉबी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं रीजन की टॉप 1 लॉबी। और लिटरली मैं अगर तुम लोगों को रीजन लिस्ट दिखाता चलूं तो इवन के टॉप 1 पर और टॉप 2 पर जो के आप लोगों को देखने को मिलते हैं ओल्ड सन जी जो के आईडी ब्लैक लिस्ट होने की वजह से आप लोगों को रीजन में डिस्प्ले नहीं होगा। और उसके अलावा रीजन में टॉप 4 अंकी एबी अब्बास अली एक्स डेड। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता चलूं तो यहां पर रैक्स जीडी और लिटरली मैनिवर्स पब्लिक, इतने ज्यादा खतरनाक खतरनाक प्लेयर्स आप लोगों को इन गेम प्लेस के अंदर देखने को मिलेंगे। और इवन के यार आप लोगों को अगर मैं बताता चलूं तो यार हम लोगों ने स्टार्ट में एक गेम प्ले तो ऐसी रही थी यार, लिटरली स्टार्ट हम लोगों ने इतना खतरनाक थी लेकिन हम लोग टॉप 22 के अंदर एलिमिनेट होते हुए दिखाई दी और हम लोगों को इतना गंदे वाला माइनस पड़ा। और उसमें आप लोगों को ओल्ड लसन जेड और इस तरह के ये जितने भी प्लेयर थे सारे ही देखने को मिल रहे थे और उसमें आप लोगों को मोड भी पड़े थे और बहुत गंदे वाले हिसाब होते। मैंने कहा यार आप लोगों को यार अच्छी वीडियोस तो यार मतलब बुआ जिसमें निकालते हैं वो तो वीडियोस दिखाता ही हूँ, आज मैं तुम लोगों के साथ कुछ ऐसी क्लिप शेयर करने जा रहा हूँ और जिसमें हम लोगों को माइनस भाई बहुत गंदे वाले पड़ते हैं और हमारे टीममेट्स बस सिर्फ और सिर्फ बस मरते हुए दिखाई देते और मैं खुद भी इवन के यार बहुत दफा मरता हुआ दिखाई देता। और पब्लिक मैंने दूसरी बात आप लोगों से शेयर करनी थी यार, मैं लाइव करने जा रहा हूँ कल सैटरडे यानी कि कल आप लोगों को 2 बजे लाइव करेंगे हम लोग बी आर रैंक पुशिंग ऑन स्ट्रीम जो कि काफी टाइम हो गया यार, 1 मंथ हो गया यार हम लोग स्ट्रीम भी नहीं कर रहे और काफी सारे बंदों के मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि यार ड्रैगो भाई आप लाइव नहीं कर रहे तो पब्लिक लाइव के लिए रेडी हो जो कल 2 बजे हम लोग लाइव करने वाले हैं। सो पब्लिक बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट, सभी ने कल ज्वाइन करना है 2 बजे स्ट्रीम को। पब्लिक इससे पहले हम लोग गेम प्ले की तरफ बढ़े उससे पहले मैं तुम लोगों को बता चलूं कि यार आज की गेम प्ले जो कि मैंने स्टार्ट में तुम लोगों को बता दिया कि भाई इतनी इंटेंस रहने वाली है कि भाई आप लोगों को बार बार मरता वो भी दिखाई देगा और लिटरली यार स्क्वाड चेक कीजिएगा स्क्वाड कितने हैवी रहते हैं। तो अब यहाँ पर भाई आप लोगों का व्हीकल लेके आया जरूर था, मैं ये समझ गया था कोई भी नहीं है लेकिन यहाँ पर दो लोग थे, मैंने यहाँ पर काफी हैवी वाला शॉट चलाया जरूर और मैंने अबिलिटी का यूज़ किया और अबिलिटी मैंने ऑन कर दी फौरन से। अब यहाँ पर मैंने नॉक किया जरूर लेकिन उस दूसरे टीम जो मेरे पीछे बैठा हुआ था उसने मुझे नॉक कर दिया और मैं यहाँ पर स्टार्ट में उतरते ही फिनिश हो गया। अब यहाँ पर हमारे कुछ दोस्तों के अंदर आप लोगों को पता है स्टार्ट सब में ख्वाहिश रहती है कि यार भाई रिवाइव और ये वो चक्करों में कि भाई सर्वाइव तू कर लिटरली आज हमारे पास कोई सर्वाइवर नहीं है तो इसकी वजह से आप हैरी जो कि खुद थोड़ा साइड पर हो गया जिसकी वजह से बचत हो गई है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर अपने टीममेट्स को रिवाइव देने के लिए आया था, मैंने यहाँ पर एक मुझे टीममेट एक मिल गया, मैंने कहा चलो यार इसको जल्दी से फिनिश करें तो टोकन वगैरह मिल जाए तो मैं अपने टीममेट्स को रिवाइव कर सकूँ। मैंने यहाँ पर रिवाइव वगैरह कोई नहीं दिया, मैंने कहा यार व्हीकल्स को ये इसको जितना जल्दी उसके ना डिस्ट्रॉय करता हूँ क्योंकि ये वाली गाड़ी जो है ना भाई बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यहाँ पर वही बात हुई उस बेचारे की किस्मत इतनी खराब थी यार, वो बेचारा वहीं पर उसने जाके गाड़ी मार दी यार उधर, तो मैंने उसकी व्हीकल डिस्ट्रॉय किया मैं ऊपर से और यहाँ पर मेरे टीममेट इतना शोर मचा रहे थे ना यार, मैं अगर मैं वॉइस रिकॉर्डिंग होती तो मैं तुम लोगों को सुनाता। तो मैंने अपने टीममेट को एक रिवाइव किया, यहाँ पर बंदा मौजूद है और मैंने यहाँ पर इसको उंगली रेड कराया और इसको यहाँ पर नॉक किया फिनिश किया। तो अब यहाँ पर हम लोग इसके बाद हम लोग अब जाने वाले हैं पीक की तरफ क्योंकि पीक पर हमारी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट रही थी और पीक पर क्योंकि बंदे जो किल्स आ रहे थे हैवी रीजन वालों के और मैंने यहाँ पर पहले तो फिर उठाया और लिटरली में रैक्स वीडियो को मैंने नॉक किया और यहाँ पर मैंने कहा चलो यार मतलब टॉप 10 के अंदर ही बंदे बैठे हुए हैं जो कि अभी गेम के अंदर आए हुए हैं और हम लोगों ने कहा कि भाई थोड़ा सा सोच समझ के खेलना क्योंकि आज हमारे पास सर्वाइवर भी नहीं है तो सारे ही रशर भी हैं लेकिन अब अपने आप को सेव रख के। अब यहाँ पर बंदे जो कि आ रहे थे और लैंड हो रहे थे भाई इतनी तेजी के साथ तुम लोग सोच भी नहीं सकते, मार को यहाँ पर नॉक किया और लिटरली तुम लोग चेकआउट कर सकते हो कि यार मैं तो यहाँ पर रिमोट करने की कोशिश थी लेकिन फिर मैंने नहीं किया लेकिन भाई टीममेट ने कर दिया और इतने में यहाँ पर दूसरा मार के निकाल गया भाई ये कोर और उसका दूसरा टीममेट भी हो चेक करो रैक्सिडी दोबारा से भाई मतलब इतने कोई उनके सर्वाइवर ले खेल रहे हैं कि यार 1 सेकंड के अंदर उनको रिवाइव हुआ और वो लिटरली दोबारा से उतर के भी आ गए हैं। और इसी के साथ अब यहाँ पर मैंने कहा चलो यार ये तो वापस आएंगे ही आएंगे तो अब यहाँ पर क्या किया जाए, लूट शूट करके ना यहाँ से निकलने का प्लान करते हैं। अब यहाँ पर निकलने का खाक प्लान करना हम लोगों ने यहाँ पर और बंदे मुझे यहाँ पर नजर आया, मैंने इसको यहाँ पर किल उठाया मैंने जल्दी जल्दी से और यहाँ पर उतरते ही हमारे यहाँ पर हमारे साथ बहुत अनलकी सीन्स हुए और इसी के साथ फिर हम लोग यहाँ पर फिनिश हो गए। कुछ खास था नहीं क्योंकि हम लोग जोन कवर अप करते रहे बस फार होते रहे मैच के अंदर। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट गेम प्ले की तरफ पढ़ते हैं, नेक्स्ट गेम प्ले की अगर हम लोग बात करते चले तो हम लोग यहाँ पर लिटरली स्टार्ट से लेकर एंड तक इतनी हार्ड लॉबी थी और अब तुम लोग सिर्फ किल्स नोट करना और मेरे साथ मेरी
की फाइट चेक करना कि यार मैं किन किन प्लेयर्स के साथ फाइट करने वाला हूँ, और तुम लोग मुझे बताना कि यार आप लोगों का फेवरेट इनमें से प्लेयर्स कौन सा है जो रीजन में बैठा हुआ है। अब तुम लोग चेकआउट करते चलो यार, मैक्स सेवन का यूज़ मैं कितना खतरनाक यहाँ पर करता हूँ, और अब्बास भी यहाँ पर कहीं ना कहीं किल और काफ़ी सारे बंदों को किल जाए, यहाँ पर एक मैंने टीममेट को फिनिश किया ज़रूर है। अब तुम लोग चेकआउट करना कि यार सीज़न फोर आया, और ये देखो अब मैक्स सेवन मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, लेकिन सीजन फोर के साथ उसका टीममेट दूसरों को कवर देने के लिए भी एक की सेकंड के अंदर पहुँच जाता है, और यहाँ पर हमें मैक्स सेवन क्या ही खराब आता है यार, लिटरली मेरे साथ बहुत अन्याय हो गया। अब यहाँ पर मेरा टीममेट जो कि ट्राई कर रहा है, ज़बरदस्त हो गया, कर गया लड़का, और इसी के साथ अब मुझे उप चुके रिवाइव वाला सीन कर सकता है बंदा यार, B2K बना हुआ यार, समझ रहे इतना, तो फिर B2K की इज्जत रख ला करो यार। कोई ना भाई, आप लोगों का दोबारा से लैंड कर चुका है, और अब यहाँ पर लेटते हैं, मेडी शेडी कर लीजिए, वही और है हो जा, चलो वाह लगाते हैं। अब इसको तो पकड़ ही लूंगा ना, क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं है, इतना भी तो नहीं गुजरे यार, समझा करो। लेकिन यार अपने पता क्या सीन है, इनके टीममेट्स जो कि इनको लॉन्ग पे कवर बहुत अच्छा दे रहे हैं यार, मसला सबसे बड़ा ये है। अब तुम लोग चेकआउट करो, वो बंदा कितने कॉन्फिडेंस के साथ बंदा रश कर रहा है मेरी तरफ, और मैं यहाँ पर हील करता हूँ तसल्ली से, और वो जैसे ही आता है ना, अब मैं नेड का यूज़ करके ना, लैंडमैन का यूज़ करके, और इसी के साथ अब यहाँ पर इसको मैं ट्राई करता हूँ, अच्छा चेक कर रहा है पब्लिक, इसको मैं यहाँ पर नॉक कर भी दूंगा ओनली रेड नंबर के साथ, लेकिन उसका टीममेट जो कर देखो, तो अब थर्ड बंदे ने इसको कवर दे दिया यार। अब ये वाला सीन मेरे साथ इस गेम के अंदर बहुत गंदे वाला हो रहा था। अब यहाँ पर मैंने 150 का इसको यहाँ पर शॉट कराया जरूर, और मैंने कहा मोस्ट ट्रक पकड़ते हैं और जाते हैं, क्योंकि स्नाइपर हाथ में हो तो भाई आप लोगों को पता है यार खुजली होती है, और लिटरली यार मैंने कहा चलो यार इसको पकड़ते हैं जल्दी से, और इतने मेरी नज़र पड़ी है तो बंदा इस साइड पर आ चुका है भाई। अब मैंने उतरते ही यहाँ पर 150 कराया, लेकिन लगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ग्लिच हो गया, और इसी के साथ अब यहाँ पर बंदे के पास थी चार्ज बस्टर। अब यहाँ पर भाई के पास थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता था, लेकिन भाई का कॉन्फिडेंस मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा था मैं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यार उसके बाद जाय बस्टर हम लोगों को पता यार चार्ज के साथ एक भी लगी तो भाई नॉक हो जाऊंगा मैं। अब यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा था इसी के साथ, अब यहाँ पर जैसे ही स्नाइपर का मैंने शॉट लगाया, अब की जो कि टॉप फोर पर बैठी हुई, और लिटरली यहाँ पर इसको मैंने नॉक किया। मैं भी कहूँ कि यार बंदा सोच समझ के खेल रहा है थोड़ा सा अक्ल लगाकर, तो क्योंकि रीजन वाला बंदा ही ऐसे स्ट्रेटजी के साथ खेल सकता है, वरना तुम लोगों को पता है ना यार सस्ते नशे होते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपने टीममेट को फाइनली यहाँ पर रिवाइव कर दिया, और बंदा इसलिए में आया, और इसको अनएक्सपेक्टेड और ओनली रेड स्नैपर का पड़ता है भाई, बहुत गंदे वाला हेडशॉट, और इसी को यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ जल्दी जल्दी से। तो मैंने कहा यार चलो, क्योंकि लड़के यार इतनी तेजी से रश कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ लग रही कि यार आप लोग जाएं तो जाएं कि इधर 5 किल मेरे अकेले के हो चुके हैं, 42 बंदे अब फाइट कर रहा है मेरा टीममेट P9। अब यहाँ पर वो भी बीट चुकी है भाई, क्या करो अब, यहाँ पर वही वीर पठान भाई, ये लो कर लो। अब लॉबी के अंदर अब कौन सा प्लेयर रहेगा पब्लिक, अब मुझे ये बताओ, क्योंकि ओल्ड असर के भी किल आ रहे हैं, अब किल तुम लोग सिर्फ नोट करो यार, किल किस किस प्लेयर के आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग फाइट आप किन के साथ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर एल शेप पर, और ये देखो ये लॉन्ग वाले यार एल शेप पर बंदा बैठा हुआ, और इसका टीममेट जो कि लॉन्ग में बैठा हुआ, चेक करना कि उसके टीममेट का कवर कितना तगड़ा किस्म का है, कि भाई वो बंदा वहाँ से हिल नहीं रहा, और इस बंदे को इतना हैवी वाला कवर दे रहा है, देखना हमारी गेम प्ले का वो यहीं पर ही करेगा इतना हैवी वाला। तो अब चेकआउट करना कि मैंने वॉल का यूज़ किया, और मैंने यहाँ पर इस बंदे के ऊपर रश किया, और मैंने इसको काफ़ी हैवी वाला मतलब डैमेज करा दिया, कि यार कह सकते कि यार नॉक होने के चांसेस हैं इसके, क्योंकि जोन भी है। अब ये देखो यार स्प्रे में भी ये बंदा नॉक नहीं हुआ, मैंने यहाँ पर वॉल लगा दिया, और वॉल के साथ साथ फिर मैंने कहा यार चलो P9 तो रश कर गया, तो मैंने ग्लू मेल्टर फेंक दिया। अब यहाँ पर P9 को भी नॉक कर जाता भाई वो, यहाँ पर वो देखो क्योंकि लॉन्ग वाला कवर दे रहा भाई उसको। अब मैंने यहाँ पर फिर से वॉल लगाया, और मैं यहाँ पर फिर करीब जाता हूँ, और ये देखो डैमेज इतना हैवी वाला कर दिया मैंने यहाँ। चलो भाई थोड़ा तसल्ली रखो, ही लीगर ड्रैगो ऐसे काम नहीं होना, क्योंकि डीट है बंदे, और रे भाई जॉड यार क्या नेड मारा बंदे ने यार, बंदे ने नेड कितना हैवी वाला मारा है। कोई ना अब इसको फिनिश हो ही जाएगा ये, उसको पकड़ते हैं 150 का प्री ऑर्डर। ओल्ड लम्जा था यार लिटरली, अरे यार गलत सीन हो गया यार, ओल्ड हसन भी किल कर रहा है काफी तेजी के साथ, और हमजा आ जा लड़के आ जा, नहीं रश कर रहा वो, पकड़ सकता है बस रिवाइव ने छोड़ी, बाकी खैर है रिवाइव ने छोड़ी, थोड़ा वेट करी बेशक आता आने दे, मैं बन जाऊँ गंडा। अरे लेवल लड़के एंड हो गया, लेकिन खुद तो कुर्बानी दे दी है, लेकिन कोई ना भाई आप लोगों का अब उसकी कुर्बानी जाया नहीं जाने देगा, वो हमजा को फेंक गया वो तो। चलो कोई ना किल उठाता हूँ मैं, मेरे पास बेच भी नहीं थी, चलो फिर उठा लिया, और जल्दी जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जोन की रीच करने, मैंने यहाँ पर जोन की रीच कर चुका हूँ, यहाँ पर विमान शक्ति पहुंचे, और विमान शक्ति पर यहाँ पर बंदे जो कि फाइट काफी तेजी से कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो यार कर लेते हैं हम लोग की फाइट इन्हीं के साथ,
थर्ड पार्टी का चांस तो मिस नहीं कर सकते ना। अब यहाँ पर मैंने डैमेज को कराया जरूर, लेकिन उसके बाद ट्रोगन का एडवांटेज है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क नहीं लेने का, हील करते हैं जाके ऊपर तसली से यार। ठीक है, अभी भी 34 बंदे हैं बाबा, तुम लोग भी सोच रहे हो कि ड्रैगो भाई क्या चल रहा है यार, ये सांस भी ले लो यार। अब सांस कैसे लोगे, ये देखो लेने दे तब की बात है ना। अभी देखो इस स्क्वाड को मैंने वाइप आउट किया है, और वो भी टॉप 32 के अंदर भाई, रीजन का स्क्वाड है। और अब यहाँ पर अब मुझे निकलना है और अपने आप को ही बचाना है, क्योंकि मैंने उनको तो एलिमिनेट कर दिया है, अब मैंने खुद ही पोजीशन मेंटेन करनी है ना पब्लिक। तो अब यहाँ पर 150 का मैंने कराया, 120 का, और फिर से मैंने 78 अंडा बनते हैं, और एक और तो करा ही जाऊँगा मैं। चलो नॉक कर दिया फाइनली। अब यहाँ पर मैंने नॉक किया, वो देखो पुदीना बन के आ रहा है, मुझे लगा कि उसका टीममेट रिवाइव करेगा, लेकिन रिवाइव की बजाय भाई वो तो किल ले गया। ये देखो यार ये हालात चल रहे हैं इनके, और अभी भी जोन चेक करो, 25 बंदे फिनिश होने का कोई भी नाम नहीं ले रहा। अब मेरे यहाँ पर एक टीममेट फिनिश हो चुका है, दूसरा आखिरी लम्हात पर है पब्लिक। अब पूरी गेम में तुम लोगों ने देख लिया कि यार मैंने कहीं पर भी सुख का सांस नहीं लिया, गेम इतनी इंटेंस चल रही है यार, इतनी इंटेंस चल रही है कि कहीं पर मैंने बैठ कर थोड़ी सी कैंपिंग की हो या कुछ ऐसा किया हो कि यार मैं कहूँ कि यार ड्रैगो सांस ले ले, तसल्ली कर ले यार, अब यहाँ पर पोजीशन हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर मेरे टीममेट फिनिश और रिवाइव करके कितने कितने बंदे जा रहे हैं, अब तुम लोग चेकआउट करना। अब यहाँ पर व्हीकल बाहर रुकी है, अब देखो मैं पहले इसको पकड़ूंगा, और इसके इसको पकड़ते ही ये कौन है, वीर पठान ही है। देखो यार वही बाहर एक और व्हीकल आई है, इसको ही पकड़ते हैं बेटा। सर्वाइवर की तो ऐसी की तैसी मैंने ऐसे ही की हुई है ना। लेकिन मैं यहाँ पर खुश था, क्यों खुश था कि यार मैंने कहा वीडियो कॉन्टेंट इतना हैवी वाला चल रहा है ना भाई, क्योंकि किसी बंदे को मैंने नहीं छोड़ा, हर बंदे को भाई फेंक रहा हूँ, बस मारी जा रहा हूँ, किल्स भी इतने हैवी वाले कर लिए ना। मैंने कहा भाई ये वाली वीडियो तो बड़ी एंड लेवल रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि यार ड्रैगो के साथ अलग की सीन और माइनस पड़ जाता है भाई। अब तुम लोग खुद चेकआउट करना, 20 बंदे रह गए हैं। अब मैंने यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक घुमाना स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा चलो यार मॉन्स्टर ट्रक भी भाई थोड़ी देर घुमा फिरा लिया जाए, ताकि यार पोजीशन मेंटेन हो जाए। देखो ये वाले फाइट चल रही है इधर, मैंने यहाँ पर पंगा नहीं किया, मैंने कहा पंगा नहीं करना, अभी यहाँ पर पोजीशन मेंटेन करनी है। और इतने में मेरे टीममेट बस भाई नॉक होने में फोकस किया, वो उन्होंने कहा कि ड्रैगो सर्वाइवर है, ड्रैगो ने सर्वाइव करना है भाई, और अब हम लोगों ने चिल करना है। तीनों यहाँ पर मारे गए, अब मैं क्या करूँ। अब यहाँ पर इनका आ गया सवाल कि भाई अब ड्रैगो तुझे पोजीशन बनानी, अब पोजीशन क्या मैं खाक बनाऊँ भाई। यहाँ पर अब मैं उतरा, मैंने कहा चलो यार देखते हैं, अब अंदर खड़ा हुआ था बंदा, मैंने यहाँ पर शॉट कराया ज़रूर, लेकिन अब मैं क्या करूँ यार। अब देखो उसको थोड़ा टीममेट भी आ गया, मैंने यहाँ पर अपने आप को कवर कर लिया, मैंने कहा वेट करते हैं। लेकिन भाई उन टीम वालों को आइडिया हो गया था कि यार ये अकेला बंदा है, तो इसको पकड़ना ही पकड़ना है। अब यहाँ पर मैं गया जरूर, अगर मैं इसको यहाँ पर पकड़ता तो क्या मतलब मैं नॉक कर जाता, लेकिन भाई यहाँ पर मेरा वेट करना जो कि मुझे ही महंगा पड़ गया। टॉप 12 के अंदर अभी भी टॉप 7 चल रहा है लिटरली यार, मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊँ। और टॉप 7 के अंदर -3 लगा यार लिटरली यार, इतना गंदे वाला, और ऊपर से ये देखो इमोट भी कर रहे हैं यार, इतनी दफा मरने के बाद भी इमोट कर जाते हैं यार पब्लिक, ऐसा रोना जो कि लिटरली यार बहुत गंदा रहता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।